हाई एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी मार्केट स्टाइल रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए केक टिन तैयार करेंगे, इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे, इसमें बटर पेपर डालेंगे और फिर से इसके ऊपर ऑयल लगा के हम इसे साइड कर देंगे। एक बोल लेंगे, इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे, इसके साथ 1/2 कप पिसी हुई चीनी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक छन्नी लेंगे, इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, इसके साथ 1/4 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कोकोआ पाउडर। अच्छे से इन सबको छान लेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। वनीला फ्लेवर का एसेंस ऐड करेंगे, 1 चम्मच विनेगर रेड फूड कलर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। प्री हीट पैन में हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करेंगे। 40 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं और अब हम इसे ठंडा करके डीमोल्ड करेंगे। इसके ऊपर वाले बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और ऊपर वाले भाग को कट करके क्रश कर लेंगे और फिर हम धागा लेंगे और इसको 3 लेयर में कट करेंगे। आप चाहो तो इसे 2 लेयर में भी कट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 3 लेयर में कट करने वाली हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये कट हो गई है। और अब हम इसको शुगर सिरप से सोक करेंगे, इसके ऊपर व्हिप क्रीम डालेंगे और यहाँ पे इसको घुमाते हुए अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो तीनों लेयर को डाल के हम पहले थोड़ा सा व्हिप क्रीम डाले थे, मतलब समझिए तो क्रम कोटिंग बोलते हैं। उसके बाद हम इसकी अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। और हार्ट शेप है मेरे पास तो इसको सेंटर में डालेंगे, इसके ऊपर क्रश की हुई जो वॉलवेट वाली केक थी मेरी इसको डालेंगे और इस तरीके से इसे डिजाइन बना देंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।